Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is price line या आपकी budget line. हम क्या पढ़ रहे हैं? Indifference curve पढ़ रहे हैं और indifference curve के equilibrium के लिए हमें price line का पता होना जरूरी है. ठीक है? Price line होती क्या है या budget line? Budget देखो, नाम से clear हो रहा है ना? कि आपका बजट कितने पैसे हैं आपके पास और उससे आप कितनी चीजें खरीद सकते हो. ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको 40 रुपीज दिए. ठीक है, इसका मतलब आपके पास कितनी इनकम हो गई? 40 रुपीज. और उससे आपने क्या करना है? एप्पल खरीदने हैं और ऑरेंज खरीदने हैं. बजट लाइन क्या बताएगी? कि आप कितने एप्पल और कितने ऑरेंज खरीद सकते हो. ठीक है, आपके पास क्या होंगे? कॉम्बिनेशंस होंगे अलग अलग, जिससे आप एप्पल और ऑरेंज परचेज कर सकते हो इनकम के दिया हुआ होने पर. उस लाइन को हम क्या कहते हैं? बजट लाइन या प्राइस लाइन. देखो, आपके पास कितने हैं? 40 रुपीज है और हम अज्यूम करते हैं कि एप्पल के प्राइसेस कितने हैं? 10 रुपीज. और ऑरेंज के प्राइसेस कितने हैं? 5 रुपीज. अगर आप 1 एप्पल परचेज करते हो तो कितने का है वो? 10 रुपीज का. और अगर आप 1 ऑरेंज खरीदते हो तो उसका प्राइस क्या है? 5 रुपीज. क्लियर? तो अगर आप 40 रुपीज से ऑरेंज खरीदोगे तो कितने आएंगे? 8. ठीक है, और एप्पल कितने आएंगे? 0. क्योंकि आपने फर्स्ट 40 रुपीज से क्या खरीद लिए? ऑरेंज खरीद लिए. ठीक है, ये आपके पास एक फर्स्ट कॉम्बिनेशन आ गया जिससे आप यहां भी खर्च कर सकते हो. सेकंड आप क्या कर सकते हो? अगर आप एप्पल पे 10 रुपीज खर्च करते हो तो कितने हो गए? फर्स्ट 1 एप्पल खरीद सकते हो तो कितने पैसे बच गए? 30 रुपीज बच गए. टोटल 40 रुपीज थे, आपने 1 एप्पल ले लिया तो कितने पैसे बच गए? 30 रुपीज. तो ऑरेंज का रेट 5 रुपीज, तो आप कितने ऑरेंज ले सकते हो? 6 ऑरेंज. ये भी आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो. ठीक है, सेकंड थर्ड आप क्या कर सकते हो? अगर आप एप्पल ज्यादा लेते हो तो ऑरेंज क्या लोगे? कम लोगे. ठीक है, फिर अगला क्या कर सकते हो? एप्पल अगर और बढ़ा देते हो तो ऑरेंज क्या हो जाएंगे? और कम हो जाएंगे. एप्पल के रेट कितने हैं? 10 रुपीज, तो कितने ऑरेंज आएंगे? 3. यहां पर कितने ऑरेंज आएंगे? 2. लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है आपका? कि अगर आप सारे 40 रुपीज एप्पल पर खर्च कर देते हो तो कितने एप्पल होंगे? 4. ऑरेंज कितने आएंगे? 0, क्योंकि सारे रुपीज आपने एप्पल पर ही खर्च कर दिए हैं. ठीक है, तो जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लाइन बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? प्राइस लाइन या बजट लाइन. ठीक है, अब हम डायग्राम से इसको लाइन में शो करते हैं. यहां पर आपने लेने हैं एप्पल और यहां पर आपने लेने हैं ऑरेंज. ठीक है, 1, 2, 3, 4 एप्पल कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एप्पल परचेज कर सकते हो. और ऑरेंज कितने हैं? 2, 4, 6, 8 ऑरेंज आप परचेज कर सकते हो. ठीक है, अभी देखो आपने क्या किया, ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है? आपकी प्राइस लाइन को शो कर रही है. देखो, इस पॉइंट पर अगर आप आते हो तो इसका क्या मतलब है? कि सारे ऑरेंज आपने खरीद लिए और एप्पल क्या है? बिल्कुल 0. ये पॉइंट क्या शो कर रहा है? कि सारे ऑरेंज आपने ले लिए हैं और आपने एप्पल एक भी नहीं खरीदा है. कौन सा कॉम्बिनेशन? ये वाला. सेकंड, अगर आप इस पॉइंट पर आते हो तो इसका मतलब क्या है? आपने 4 एप्पल ले लिए हैं और आपने ऑरेंज एक भी परचेज नहीं किया है. ठीक है, कौन सा? ये वाला आपका कॉम्बिनेशन. अगर आप देखो 6 और 1, ये 6 और ये 1, ये वाला क्या हो गया?
ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे आप सारे पॉइंटों को मिलाओगे तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। इस लाइन को जब आप मिलाओगे तो ये लाइन कौन सी होगी, बजट लाइन या प्राइस लाइन। क्या नाम है इसका, प्राइस लाइन, ठीक है, इजी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।